सर, सबसे पहले एज अ कैप्टन ऑफ द शिप आपसे जानना चाहूँगा, प्रणाम क्या होने वाली है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए इस बारे में। प्रणाम आपको एक फिर से हिंदी सिनेमा का एक बार नया फील देगी, आज की टेक्निक, आज के ट्रीटमेंट के दौर में एक कोशिश है कि बजाय रीमेक बनाने के, बजाय रीमिक्स बनाने के, वो चीज़ जो हिंदी सिनेमा थी वो नए तरीके से पूरी प्राउड फील करते हुए हम प्रेजेंट कर रहे हैं। सर, कहानी ट्रेलर का क्या रिस्पांस मिला है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और सारे ही सेगमेंट से अच्छा मिला, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हों। समीक्षा, आप बताइए किरदार के बारे में थोड़ा सा, और क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी अपने किरदार को लेकर? मैं हर कैरेक्टर में प्रिपरेशन करती हूँ, लेकिन इसमें मुझे नहीं करनी पड़ी। आई थिंक मैं इस कैरेक्टर जैसी थी, इसलिए संजीव जी ने मुझे सबसे पहले चूज़ किया। और मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट रही हूँ, मुझे पता है कि जब लड़की आईएएस ऑफिसर बनना होता है या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं, कितनी जद्दोजहद लगती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, और किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं होता। तो कैरेक्टर वॉज वेरी सिमिलर टू माई एक्चुअल लाइफ कैरेक्टर। एक लड़की है, मिडिल क्लास की सिंपल लड़की है, जिसके ड्रीम्स हैं आईएएस ऑफिसर बनना, और एक लड़के से मिलती है, उसको भी एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, और वो एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता है, पियोन का बेटा है, लेकिन बहुत मेहनती और सुलझा हुआ इंसान है। तो उसको लगता है लाइफ सिंपल लाइफ जा रही होती है, आईएएस ऑफिसर बन के शादी कर लेंगे, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब आखिर में क्या होता है, अब 9 अगस्त को देखिए। मनोज सर, आपसे जानना चाहूँगा, फिल्म में आपके लिरिक्स होना एक USP होती है, तो क्या क्या खास बात देखते हैं किसी भी फिल्म से जुड़ने से पहले, और थोड़ा सा बताइए सर इस फिल्म में किस तरह का? इस फिल्म में तो मैंने दोस्ती देखी थी राजीव खंडेलवाल साहब से, संजीव जी से, नितिन मिश्रा जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, ये तीनों मेरे बहुत खास दोस्त हैं, और इन तीनों की सलाहियत पर बड़ा भरोसा था मुझे कि ये तीनों जहाँ भी मिलेंगे तो कुछ अच्छा ही काम करेंगे। जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है, मैं एक बात बहुत फ़ख्र से कहता हूँ कि ज़माने बाद आज का जो टाइम चल रहा है, जहाँ के हमारे फिल्मों में गाने कम होते जा रहे हैं और गानों का जो स्पेक्ट्रम है बहुत छोटा हो गया है, सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स बनते हैं। मतलब मैं तो साल के तकरीबन 50 गाने लिख रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि 50 में से 52 रोमांटिक लिख रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये संजीव जी को इसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपने स्क्रीन प्ले में हर तरह के गानों की गुंजाइश निकाली। एक ऐसा एल्बम भरा पूरा एल्बम जिसमें रोमांटिक सॉन्ग भी है सिर्फ तू, जिसमें लाइफ की फिलॉसफी भी है जिंदगी, जिसमें एक सूफी सॉन्ग भी है इलाही, और जिसमें एक हनुमान जी की स्तुति भी है, जय हनुमान। तो इतना एल्बम ऐसा भरा पूरा निकालने के लिए मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको म्यूज़िक से प्यार होना चाहिए। तो अगर इनको म्यूज़िक से इतनी दिलचस्पी ना होती, आज के ज़माने में तो मैं देखता हूँ डायरेक्टर्स, आई मीन बड़े अच्छे दोस्त भी मेरे बहुत सारे, तो वो सब कहते हैं कि अरे यार मतलब गाना क्या करना है, तो ये वैसे नहीं थे, इनको गाने के साथ कुछ तो करना था। तो ऐसा अच्छा खासा एल्बम देख के मुझे बड़ा मज़ा आया, और अब तो गाने चार्ट्स पे भी हैं, हमारा गाना iTunes पे पूरा का पूरा एल्बम नंबर 2 पे चल रहा था, तो हम सब बहुत खुश हैं, वो खुशी इन सब के चेहरे पे देखें। सर, इसके अलावा रीमेक और ओरिजिनल्स गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो बहुत सारे ये अगर आप नहीं पूछते तो मुझे लगता है क्यों नहीं पूछा आपने, ये तो मतलब खैर बताना ही चाहिए मुझे। मेरे ऊपर ना वो रश्के कमर के बाद से इल्ज़ाम लगा हुआ है। इल्ज़ाम लगा देखिए, रीमेक्स ज़रूरी हैं उतने ही जितने मैं करता हूँ, क्योंकि मैं बड़ी इज्जत से करता हूँ जी। मैं जब कोई गाना रिक्रिएट करता हूँ तो कभी इसलिए नहीं करता कि अरे ये पहले तो क्या बकवास लिखा था, अभी देखो हम लिख के दिखाते हैं, ये गुरूर कभी नहीं होता। हमेशा मेरे साथ ये चीज़ होती है कि ये गाना जो लिखा गया था पहले, जिस तरह से बना था, इसका साउंड पैटर्न, इसका ऑर्केस्ट्राइजेशन, ये है आज से 40 साल पहले का। 40 साल में दुनिया बदल चुकी है, बात करने का लहजा बदल चुका है। अगर हम वो पुरानी सारी अच्छी चीज़ें ला के उसको नई पैकेजिंग में डाल के अगर एक 7 साल के बच्चे को डिस्क में उस पर पहुँचा पाएँ या उसको नचा पाएँ, तो मुझे लगता है मेरी जीत है। मैं बहुत खुश हुआ था जब मेरे रश्के कमर को बैंकॉक में आईफा अवार्ड्स में पिछली बार जब अवार्ड मिलता है और अनाउंस होता है कि द अवार्ड फॉर द बेस्ट लिरिक्स गोज टू मनोज मुंतशिर एंड नुसरत फ़तेह अली खान, तो आई फेल्ट प्राउड कि खान साहब को इस दुनिया से कूच किए हुए 20-25 साल हो चुके हैं, 20-25 साल के जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद, अगर उनको एक स्टेज पे, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उनका नाम लिया जा रहा है और उनको एक ट्रॉफी दी जा रही है उनके नाम पे, तो मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी कभी नहीं हुई। मैं बड़ा प्राउड रहा कि मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब के और कुछ लेजेंड्स के गाने रिक्रिएट किए, इनवेरिएबली 100% हिट हुए हैं। मतलब एक भी ऐसा नहीं बता सकते आप कि आपने लिखा और हिट नहीं हुआ। तो एक चीज़ खाली कहूँगा कि दिस शुड नॉट बिकम अ नॉर्म। ये तभी तक अच्छा है जब तक 100 में 10 या 15 हो रहा है। करेक्ट करेक्ट।
जिस दिन आप हर गाना रिक्रिएट करने लगे उस दिन मुश्किल है, और मैं बहुत खुश हूँ कि वापस वो दौर ओरिजिनल्स का फिर से आने लगा है। प्रणाम पूरा का पूरा एल्बम ओरिजिनल है, कबीर सिंह जो मेरी फिल्म है पूरा का पूरा एल्बम ओरिजिनल था, हमने एक भी गाना रिक्रिएट नहीं किया। तो अगर प्रणाम के गाने वर्क करते हैं, अगर कबीर सिंह के गाने वर्क करते हैं, मतलब एक बात की गारंटी है कि लोग नया सुनने को भी तैयार हैं। बट मनोज सर, ये भी एक बात है कि अक्सर लोग अभी कहने लगे कि आजकल रिक्रिएशन इज लाइक अ शॉर्टकट, मतलब हम पुरानी मेलोडीज को उठा के हम डाल देते हैं, उसी वजह से कई बार क्रिटिसाइज भी होता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जैसे आपने को देखा कि नॉर्म होना चाहिए, 100 में से जब 10-15 आते हैं तो ही बराबर है, नहीं तो वो होता रिपीटेड। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, शॉर्टकट से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चल रहा है और उसके लिए जनता जिम्मेदारी न ले। मुझे याद आता है जब खलनायक में बख्शी साहब, आनंद बख्शी साहब लेजेंडरी राइटर हैं, उन्होंने जब चोली के पीछे क्या है लिखा था और उनको बहुत फ्लैग किया गया था कि आपने ये क्या लिख दिया, इतने बड़े गीतकार हो के चोली के पीछे क्या है, तो उन्होंने संजीव जी एक बात कही थी कि इसी फिल्म में एक गाना और भी था कि माँ तुझे सलाम, तुझे प्यारे सारे बच्चे, वो रावण हो या राम, उस गाने को तो किसी ने सुना नहीं, सुना भी नहीं। तो आप सुन रहे हैं रिक्रिएशन, इसलिए हम बना रहे हैं। तो इसे आप शॉर्टकट कह लें या इसे कुछ भी कह लें, लेकिन ये जिम्मेदारी जितनी हमारी है लिखने और गाने बनाने वालों की, उतनी जिम्मेदारी आप सुनने वालों की भी है। सर, एज अ डायरेक्टर आपसे जानना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा, राजीव है, समीक्षा है फिल्म में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ काम करके? वैसे तो बड़ा घिसा पिटा सवाल है, आता है कि अच्छा ही था, लेकिन हाँ अब की बहुत अच्छा रहा कि जो एक्चुअल में जो बात राजीव जी ने कही कि हम ये इस फिल्म के थ्रू एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं एक क्लासिकल एरा को, कि वो हिंदी सिनेमा जिसके अंदर रिश्ते होते थे, जज्बात होते थे, म्यूजिक होता था, संगीत होता था, सारी चीज़ें डायलॉग्स होते थे कि जिनको आप वर्षों याद रखते थे, है ना, उन डायलॉग्स पे आज के ज़माने में मीम्स बनते हैं, उस समय उन डायलॉगों में प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए कंपेन बनते थे, तो सारी चीज़ें हैं। और इस सिनेमा को हम लोगों ने उसी तरीके से बनाया भी, इसके गाने हम लोगों ने, हम और मनोज भाई और विशाल जी बैठ के 4-5 दिन बैठ के उसी तरीके से बैठक करके हम लोगों ने निकाला। देखिए, सिंगल कंपोजर लिरिसिस्ट, ये भी एक बहुत जमाने बाद आपको मिलेगा। हाँ, पूरे पूरे एल्बम में एक ही लिरिसिस्ट है और एक ही कंपोजर, हाँ, वो भी उनको धन्यवाद तो वो चीज़ें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जो बनाना चाहते थे एग्जैक्टली, जो हिंदी सिनेमा हम बनाना चाहते थे, ओरिजिनल सिनेमा बनाना चाहते थे, वो हम सबके सहयोग से बना पाए और बहुत अच्छा लगा। और सबने वो जो चीज़ हमने चेंज की, हमने राजीव को जो एक एंग्री यंग मैन का हमको दिखता था इनकी आंखों में, वो एक वाइब्रेशन है कि जो एक एंग्री यंग मैन के अंदर होनी चाहिए, वो चीज़ स्क्रीन पे आने के बाद डबल ट्रिपल तौर पर दिखाई दी, और हमें लगता है कि ऑडियंस पसंद करेगी क्योंकि पूरी कहानी ओरिजिनल है। संजय जी, जिस तरीके से हम पोस्टर में देख रहे हैं, ट्रिब्यूट टू क्लासिक एरा ऑफ हिंदी सिनेमा, देखा जाए तो 70s और 80s को कहने के ट्रिब्यूट देता है, सो हाउ मच यू एग्री विद दिस कि ये बहुत जरूरत है, बिकॉज जैसे आपने खुद ही कहा कि अभी मीम्स बनने लग गए हैं या ट्रोल होने लग गए हैं, और एक दिग्वांशु दुलिया उन्होंने भी एक बार कहा था कि अगर आज के टाइम पे अगर शोले भी लगती तो उसको भी लोग ट्रोल करते थे, सो हाउ मच डू यू एग्री? नो डाउट, शोले लगती तो उसको ट्रोल कर सकते थे, लेकिन शोले आज अगर बनेगी, अगर आज एक तो हमारे हम रीमेक में हम भी ज्यादा भरोसा नहीं करते, हमें भी लगता है कि कहानियाँ तो वही हैं। एक होता है हिंदी सिनेमा जो शुद्ध हिंदी सिनेमा था, जिसमें एक हीरो होता था, एक विलेन होता था, एक सिचुएशन होती थी, एक संगीत होता था, एक मुस्लिम होता था, एक हिंदू होता था, वो सारी चीज़ें एक कॉम्पिटिटिव पूरी सबको जोड़ के चलती थी, वो सिनेमा मिस हो गया। हम एक्सपेरिमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते चले जा रहे हैं, ड्रग तो खाली ड्रग्स, मतलब आई मीन पहले का कोई भी सिनेमा उठा के देखिए, दीवार, तो इसी वजह यही वजह थी कि पहले 10 में से 8 सिनेमा हिट होते थे, आज 10 में से 2 सिनेमा हिट होते हैं, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि ट्रोल होना, जो सवाल किया हमने कि शोले आज लगती सवाल नहीं, उस समय बनी हुई उन टेक्निक्स के दौर पर उन, लेकिन अगर शोले आज लिखी जाएगी तो आज के हिसाब से लिखी जाएगी, लेकिन वो जज्बात, वो फील, वो दोस्ती, वो यारी, है ना, वो सारी चीज़ें वो रहेंगी, वो हमेशा वर्क करेगी, और वही कारण है साउथ आज भी इसी पे जी रहा। साउथ में आज भी जो यहाँ का 80s का जो सिनेमा था, वही साउथ, राउडी राठौर वही है, वही सिंघम है, वही ऑलवेज हिट है, तो पब्लिक को तो चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए और कर रहे हैं लोग, लेकिन हमारा ने कोशिश की है कि, और पूरी तरीके से इसीलिए बिल्कुल क्लेम किया है कि कल को आप ये ना कहिए कि हमने आपको कुछ पुरानी चीज़ दिखाई या ऐसा, पहले हीरो देखा करते थे, मज़ा आता था, हॉल से निकलते थे तो हम लोग दूसरी दुनिया में रहते थे, जब कॉलेज बंक करके पिक्चर देखा करते थे, सबको डर भी रहता था, टीचर का भी, फादर का भी, लेकिन उसके बाद निकल के आते थे लगता था कि सारा दुनिया जीत ली बच्चे के साथ, बस खुश तो बहुत हो गए। देखिए, एक चीज है, ये संजीव जी के बारे में बता दूं, ये बहुत बड़े अमिताभ बच्चन फैन है, मतलब इतने बड़े वाले कि इनके साथ आप अगर एक कमरे में बंद हो जाएं तो आपको थोड़ी देर बाद ये गुमान होने लगेगा कि आप अमिताभ बच्चन के साथ बंद हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनका जो प्यार था उस एरा के सिनेमा के लिए, वो आपको प्रणाम के हर सीन में नजर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको कुछ कॉपी करने की या रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन हाँ, ट्रिब्यूट तो है, ट्रिब्यूट हमेशा मानते हैं। और देखें, आप
एक बहुत किसी बड़े फिल्म क्रिटिक ने एक बात कही थी कि सही और हिंदी सिनेमा के बारे में कहा था कि हिंदी सिनेमा की कामयाबी का फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला है और ये कमाल का फॉर्मूला है जो मुझे लगता है आज तक चलता है। सब तकरीबन 40 साल पहले का स्टेटमेंट है ये कि जिस फिल्म को देख के आप बाहर निकलें और आपके होठों पर स्माइल हो और बाएं गाल पे एक सूखा हुआ आंसू, वो पिक्चर सुपर हिट ऑलवेज इट। तो मैंने क्या वरना फिर प्रणाम वरना क्या रहा, दो घंटे हमने जिंदगी की बर्बाद की, वो कुछ लेके नहीं निकले, पॉपकॉर्न खाया निकल के आगे बाहर और उसकी एक्टिंग की अगर बात करने लगे हम तो आज किसी बात हो रही, टेक्निक की बात कर रहे हैं। एक आम ऑडियंस टेक्निकोलॉजी की बात करता है, क्यों एक्टिंग की बात कर रहा है? अरे तुमको कैसे पता एक्टिंग क्या होती है? हम लोगों को पता है कि एक्टिंग कैसी होती है तू, लेकिन वो इसलिए वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही, वो कहानी में नहीं घुसता, वो उसके इमोशंस में नहीं जा पाता, वरना दिखना ही नहीं चाहिए। ट्रू, पहले के सिनेमा में आपको कभी याद है कि कोई तार आपको दिख रहा हो? पहले तो VFX नहीं था, कभी आप कभी नोट किया आपने कि आपको दीवार में तार दिखा? आप समझिए बात, क्योंकि आपका तार पे जिस समय चला गया उसमें बच्चा साहब खत्म हो गया, बिल्कुल डायरेक्टर खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। लेकिन आज लोग तार की बात कर रहे हैं, VFX की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उसके अंदर VFX बहुत अच्छा था, अरे क्या बचा? अगर डॉक्टर जो बात करता है वो पेशेंट करने लगे तो चीज़ें खत्म हो रही ना। एक डॉक्टर को फिर फायदा क्या हुआ, उतनी साल वर्षों उसने मेहनत की, पढ़ाई लिखाई करी और उसके बाद एक पेशेंट कह रहा है कि क्या एक्सरे में दिखाई दे रहा सही क्या है? तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही? क्योंकि डॉक्टर की एक गोली फायदा नहीं कर रही। बहुत अच्छी एनालॉजी। आई थिंक कि अगर करेक्टर है तो आपको टूल दिख कैसे रहा? इसका मतलब मेरे करेक्टर में दम नहीं, इसका मतलब मेरी कहानी में दम नहीं, इसका मतलब मेरी एक्टर की परफॉर्मेंस में दम नहीं। आप समझ रहे ना, पहले की कोई फिल्म याद करके देखिए ना, घोड़े दौड़ा करते थे, मेरा गाँव मेरा देश, एवरी फिल्म एनीथिंग, आपको कभी तार नहीं दिखेगा, कभी स्टूल नहीं दिखेगा, कभी आपने पीछे गौर नहीं किया कि पीछे कौन टहल रहा। अरे भाई आज आपको बचा के सिनेमा शूट करना पड़ता है, देखो पीछे क्या चल रहा है, अरे ऑडियंस देख लेगी चार दिन बाद उसके, तो वो खो गया है, वो खो गया है, वो हिंदी सिनेमा खो गया है जिसमें आप सिर्फ करेक्टर देखते थे, खुद को ढूंढ लेते थे, उन पांच करेक्टरों में आप एक करेक्टर को ढूंढ लेते थे, उसके साथ आप जीते थे, वो रोता था तो आप रोते थे, वो खुश होता था आप खुशते थे, उठ के कदम मार साले को, जब तक वो बात नहीं आई, जब तक वो ताली नहीं बजी, सिनेमा मतलब वो है, हमारा सिनेमा का मतलब वो है। हम सिनेमा किसी अवार्ड के लिए नहीं बना रहे हैं, ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, सुने उसके अंदर दो घंटे हमारे साथ जिए, अगर दो घंटे वो हमारे साथ जी गई हम सक्सेसफुल, बाकी तो अवार्ड से लेके वो सारी चीज़ें वो भी क्या बोलते हैं रेटिंग ये सब तो ऑल यू नोज। इमर्सिव जो एक्सपीरियंस था ना पहले पूरी तरह से, बहुत अच्छी उन्होंने बात बोली कि जब तक आपको वो स्टूल दिख रहा है, जब तक आपको तार दिख रहा है, तो मतलब फिर आप परफॉर्मेंस में इमर्स नहीं हुए हैं, नहीं उसने आपको पूरी तरह एंगल्फ नहीं किया है। आप अब मुझे याद आता है, आप सोचें कि कितनी स्मार्ट क्रिएटिव लिबर्टीज हमारे पिछले पुराने फिल्म मेकर्स लेते थे और क्या शान से लेते थे, सीना चौड़ा करके, आज हर चीज़ में डिटेल में पड़े हुए हैं। अमर अकबर अंथोनी का क्लाइमेक्स आप याद करें कि वहाँ गाना चल रहा है, सीन क्या है? सीन ये है कि अमर अकबर अंथोनी तीनों की तलाश हो रही है और जो गुंडे गुंडों के अड्डे पे कहा जा रहा, पता करो, भेजा जा रहा है कि जाओ ढूंढ के लाओ कहाँ है अमर, कहाँ है अकबर, कहाँ है अंथोनी, और ये तीनों वहाँ गाना गा रहे खड़े होके एक जगह जब जमा हो तीनों अमर। आप समझिए तो आपको भी उतना ही मजा आ रहा है, तो मजा आ रहा है आपको, दैट द सिनेमा, दैट द हिंदी सिनेमा वो जो मिस हो गया। अब आप अगर और देखें तो सोचें कि मैं एक दिन सोच रहा था यूं ही कि 50s का एक गाना ऐसा है और वो अकेला गाना होगा 50s का, जो कि अब गानों की उम्र क्या हो गई है, गाने आपके कभी एक साल में खत्म हो जाते हैं, कभी डेढ़ साल, अच्छे हिट गाने की बात कर रहा हूँ, 50s का एक गाना है जो आज के बच्चे बच्चे को पता है, वो गाना था मन डोले मेरा तन डोले, ये कौन बजाए बांसुरिया, नागिन फिल्म का गाना है, इच्छाधारी नागिन पे बेस्ड कहानी, तो भाई नागिन बांसुरी थोड़ी तो बीन पे नाचती है, पर अगर वहाँ लिरिसिस्ट बीन लिखता तो सबको पता था कि यार बीन लिखते ही ना इसमें वो जो लहर है वो चली गई, तो जानबूझ के वहाँ कौन बजाए बांसुरिया लिखा गया। ये क्रिएटिव लिबर्टीज जब आप लेते हैं तो आप एक्चुअली ऑडियंस को मैथमेटिक्स नहीं सिनेमा दिखा रहे, सिनेमा दिखा, तो हम भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, सिनेमा दिखा रहे हैं। और ये बात जो आप आज तक कभी नहीं सुनी किसी ने नहीं बोली ये बात कि बीन पे नाचती बांसुरिया पे नहीं, बांसुरिया बोला गया, आप समझ रहे हैं? तो वो जो हिंदी सिनेमा था जिसमें आप ये नहीं ढूंढते थे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, नहीं नहीं आपको लगता था कि अगर काश हम भी ऐसा कर पाते, वरना हीरो का पक्ष तब मतलब क्या हुआ, अभी हीरो करेक्टर में तब्दील हो गया, तो करेक्टर कहाँ जाए? तो वो जो एक हिंदी सिनेमा था जिसको देख के पले बढ़े, जिसको लेके यहाँ पे आए, तो वही बनाने की कोशिश है। और बाकी सर, एज एन प्रोड्यूसर, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड?
everything has already been said. And he paid us well. Actually. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. जी ओके सर, सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर, जो नज़र हमारी जाती है ट्रिब्यूट टू क्लासिकल एरा जी, तो सर सबसे पहले बताइए कि कैसे ट्रिब्यूट देने वाले हैं, थोड़ा सा फिल्म के बारे में अगर ऑडियंस को बताएं। ये प्रणाम फिल्म है जो कि एक बहुत छोटा सा अटेम्प्ट है उस एरा को क्या कहूँ, श्रद्धांजलि देने का या ट्रिब्यूट देने का जो 70 के दशक में और 80 के दशक में था, जिसे क्लासिक एरा कहा जाता है। क्लासिक एरा मतलब जहाँ पे कल्ट फिल्में बना करती थी, एक विशेष किस्म की फिल्म बना करती थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट था या जो हीरो था वो हीरो हालात से निकला हुआ, हालात उसे हीरो बनाते हैं, वो हीरो पैदा हीरो नहीं होता। तो वही एक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग, कहानी कहने का जो अंदाज़ है वो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। 2019 की कहानी है ये, कहानी 1980 की नहीं है, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग का जो एक फॉर्मेट है, एक स्टाइल है, वो क्लासिक एरा की आपको याद दिलाएगा, जहाँ पर ड्रामा था, मेलो ड्रामा था, जहाँ पर एक्शन था, जहाँ पर रियल एक्शन था, जहाँ पर मेलोडी थी गानों के अंदर, जहाँ पर इमोशंस थे। सो आई थिंक दैट होल थिंग, ये जो फिल्म है या जो आजकल की जो फिल्में आ रही हैं उनकी पेस थोड़ी सी धीमे कर देगा, आपकी जो पेस, जिस पेस से हम फिल्मों को देखते हैं, ये पेस को थोड़ा धीरे कर देगा और शायद ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस के लिए। राजीव, आई यू रेफरिंग यू नो द प्रकाश मेहरा फिल्म और मनमोहन देसाई दीवार की हम बात करें, हमारे मनोहर की बात करें, अलग ही खराबी की बात करें, और आपने बच्चन साहब का जिक्र भी किया था, आपने कहा कि यू वांट हिम टू सी द फिल्म पढ़ना। सी द थिंग इज, आई वुडंट कॉल इट प्रकाश मेहरा टाइप ऑफ फिल्म, बट मोर अबाउट से राजकुमार संतोषी अपने अर्लियर टाइम में जो वो फिल्में थे, मैं बताता हूँ आपको, अर्जुन, दीवार, तेजाब, राम लखन, घायल, ये जो फिल्में थी ये कल्ट फिल्में थी जिन्होंने एक क्लासिक एरा का, जहाँ पर हीरो हालात से पैदा होता है, हीरो हीरो नहीं होता है, और किसी न किसी मुद्दे को लेकर कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में भी 2019 में, अभी मैं 3-4 महीने पहले खबर पढ़ रहा था जहाँ पर एग्जामिनेशन पेपर्स लीक हो गए थे, तो वो पेपर लीक का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो अभी भी उतना ही क्या बोलते हैं उसको, फैला हुआ है। मतलब हर साल हम पढ़ते हैं, सोचते हैं कि अब खत्म होगा, लेकिन हर साल ये पेपर लीक का कांड हो जाता है। तो आई थिंक वही मुद्दा है जो इस फिल्म में एक सेंट्रल मुद्दा है, और हीरो जो एक सपने लेके आगे बढ़ रहा होता है, एक आईएएस बनने के सपने उसके थे बचपन से, अपने बाप के सपनों को पूरा करना चाहता है और एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लेता है, लेकिन शायद किस्मत के कुछ और प्लान्स था, कुछ और डिज़ाइन था उसके लिए, और फिर किस तरह से सिस्टम में उलझकर वो किसी और दिशा में निकल जाता है। तो ये इस तरह की कहानी आपको जब मैं बोल रहा हूँ, शायद आपको लगेगा कि यार हाँ ये सुनी है मैंने कहानी, देखी है मैंने कहानी, पर ये आपने बहुत पहले देखी थी, ये इस दशक में कैरेक्टर सारे रियल हैं, क्योंकि जब मैं परफॉर्म कर रहे थे, जब हम शूट कर रहे थे, तब मैं इस तरह के कैरेक्टर से रोज़ मिलता था वहाँ पे, कि और मुझे लगता था कि यार ये तो होता नहीं है, लेकिन हम बड़े बड़े शहरों में रहने के बाद आपका शायद टच छूट जाता है जो रियल इंडिया होता है, जहाँ पर अभी भी लोग घर में घुसते सबसे पहले पैर छूते हैं, पापा के सामने ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते हैं, अभी भी बड़े भाई के साथ, बड़े भाई तक से बहुत ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते हैं, जहाँ पर मम्मी अभी भी किचन के अंदर रहती हैं, और मम्मी का प्यार और लाड़ जो होता है, ये सब चीज़ें जो हमें लगता था कि यार अब तो पुरानी हो चुकी हैं, अब तो नया एज है, क्योंकि हम लोग जिस वातावरण में जी रहे हैं वो बहुत न्यू एज लगता है, बट दैट इज़ स्टिल द रियलिटी ऑफ रियल इंडिया। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि कैरेक्टर्स रियल नहीं है, कैरेक्टर वहीं से उठे हुए हैं, इनफैक्ट कुछ तो ऐसे किरदार, ऐसी कहानियाँ मुझे मिलाई बताई गई और मिलवाए गए मुझसे, मुझे कुछ किरदार, कुछ लोग जिनकी कहानी बिल्कुल अजय सिंह जैसी है, जो हैं, जीवित हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी। तो फिल्मों से तो नहीं कहूँगा प्रभावित हैं, लेकिन स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग से ज़रूर प्रभावित है फिल्म। क्लासिक, इट्स अ ट्रिब्यूट, स्मॉल अटेम्प्ट टू पे ट्रिब्यूट टू द क्लासिक हिंदी सिनेमा। ओके राजीव, उसके अलावा ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत
चूजिंग आप फिल्मों के लिहाज से जी बहुत अंतराल रहता है आपकी, अगर अगर हमने परिणाम देखे उसके बाद आप क्या करेंगे, नो यू आर वेरी चूजी विद योर फिल्म्स ऑन व्हाट ग्राउंड यू जीरो डाउन योर फिल्म्स एंड स्पेशली व्हेन द मेकर ऑफ द फिल्म अप्रोच यू व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? देखिए ऐसा क्या होता है कि लोग समझते हैं कि मैं बहुत चूजी हूँ, बहुत अकलमंद समझता हूँ अपने आप को कि मैं बैठे बैठे स्क्रिप्ट पढ़ता रहता हूँ, मैं 50 स्क्रिप्टें मना करता हूँ उसके बाद मैं एक चुनता हूँ, तो इसके पीछे सोच क्या रहती है? पर हकीकत बिल्कुल ही विपरीत है, कोई ये समझ ही नहीं सकता कि मैं फिल्म करता हूँ या प्रोजेक्ट करता हूँ उसके बाद मैं चले जाता हूँ छुट्टी पे, फिर मैं वापस आता हूँ, कोई मुझे भेज देता है पढ़ता हूँ, मैं कहता नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, फिर कोई मुझे और भेजता है बता इंटरेस्टिंग लग रही है यार एक काम करते हैं मिल लेते हैं, मिलते हैं बोलते हैं राजीव ऐसे ये प्रणाम मिले, मैंने कहा कुछ डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं है, चलिए करते हैं। तो मैं ना ज़्यादा सोचता हूँ ना मैं इतनी दिमाग लगाता हूँ या कैलकुलेशन लगाता हूँ कि यार ये फिल्म आएगी फिर क्या होगा, मैं कैसे प्रोजेक्ट हूँगा, मैं कितना दिखूँगा, ये सब कैलकुलेशन मैं कभी नहीं करता हूँ, ना मैंने तब की थी जब मैं इंडस्ट्री में आया था और ना अब की जब मुझे 18 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं अब भी वो कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, मैं अब भी अपने गट से जाता हूँ, इंस्टिंक्ट से जाता हूँ कि यार मुझे करना चाहिए और मैं कर लेता हूँ, कभी कभी वो सराहे जाते हैं, कभी कभी वो एक्चुअली ऐसा बहुत कम है कि सराहे नहीं गए हों, चले कम हो, लेकिन वो चलाना और जो फिल्म का जो कलेक्शन होता है वो अक्सर प्रोड्यूसर के हाथ में होता है, किस तरह से फिल्म रिलीज़ की जाती है कितने पैमाने पे, मुझे नहीं याद है कि मेरी कोई भी फिल्म को बहुत बड़े पैमाने पे रिलीज़ की गई हो और फिर उस फिल्म में ज़ीरो कलेक्शन किया हो। आई थिंक कुछ फिल्में बड़े जो क्या कहूँगा मैं जो थोड़ी बड़ी रिलीज़ हुई उन्होंने बड़ी ऑडियंस मिली, जैसे शैतान हो, टेबल नंबर 21 हो, आमिर हो, फीवर जैसी फिल्म जिसे बहुत बड़ी रिलीज़ नहीं मिली तो उसे ऑडियंस भी कम मिली। तो आई थिंक मैं अपने गट से जाता हूँ कि स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो आप कर लो, चाहे वो वेब हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फिल्म्स हो, मेरे लिए वो प्रोजेक्ट होता है। मैं कभी नहीं सोचता कि यार मुझे अब फिल्म करूँ कि अब वेब करूँ, आई थिंक इट्स अ प्रोजेक्ट दैट मैटर्स टू मी। जी अब जब बात करते हैं भाई, मेरे को खुद अंदर महसूस होता है मैं वो डिसीजन लेता हूँ, तो इसके फ़ायदे नुकसान होते हैं? जी इसका नुकसान कोई नहीं होता, उसका नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि जब आप अपने इंस्टिंक्ट से फैसले लेते हैं तो आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने फीवर क्यों की थी, अरे भैया मैं मुझे लगा था कि फिल्म बहुत अच्छी है, लिखी बहुत अच्छी गई थी, उसके बाद में फिल्म पूरी बना तो आप सकते नहीं हैं, आप तो एक्टर हैं, तो आप एक फिल्म में काम करते हैं, आपके काम की अगर कोई तारीफ़ नहीं करे तो आपको लगता है आपको सोच तो आप ज़रूर उस पर सोच विचार कर सकते हैं कि यार मेरे काम की तारीफ़ नहीं की, क्या मैं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहाँ कमी रह गई, वो बात अलग है। बट नुकसान नहीं होते, मैं जिस तरह से देखता हूँ मुझे लगता है कि कौन क्या कहूँ मैं कौन नहीं गिरता या कौन असफलता नहीं देखता किसी भी प्रोजेक्ट में या ज़िंदगी में, मैं कहूँ चाहे वो रिलेशनशिप हो, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट कभी नहीं चलती है, हमेशा लाइफ ही वो खूबसूरत होती है जहाँ पे उतार चढ़ाव चलते रहें, जहाँ पर अगर आप आज आपके पास 10 रुपए हैं तो कल आपके पास 4 रुपए हों, फिर आप वापस 12 रुपए कमाने की कोशिश करें, फिर वो वापस आपके नुकसान हो जाए, फिर आप 5 से वापस, यही ज़िंदगी है। आप सारे टाइम 100 रुपए लेके बैठे रहें तो आप क्या एंजॉय करेंगे? आपको पता है कि जेब में 100 रुपए हैं यार, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो आई थिंक जो ज़िंदगी का रियल फ़न है वो इसी में है कि आप आज कुछ कर रहे हैं, कल आप कुछ कर रहे हैं, फिर आप फिर अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, फिर आप कुछ और कर रहे हैं। तो आई थिंक नुकसान कोई नहीं जब आप फैसला खुद लेते हैं, नुकसान तब होता है जब आप अपनी सोच से नाता छोड़ देते हैं और जब आप बोलते हैं दुनिया तो ये कहती है कि मुझे इस समय ना ये फिल्म करनी चाहिए, सब लोग कह रहे हैं कि यार तू इतना खूबसूरत दिखता है तेरे को तो रोमांटिक फिल्म करनी चाहिए, और फिर आप असफल हो जाए वो आप प्रोजेक्ट आपका, तो आप सोचते रहेंगे सारे टाइम काश मैंने नहीं सुनी होती उसकी। तो आई थिंक समवेयर अगर आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, इफ़ यू कैन ओन अप टू योर डिसीजंस, दैट्स द बेस्ट थिंग इन लाइफ। प्रमोशन आई थिंक फिजिकली टैक्सिंग होता है, बट आई थिंक समवेयर ये आपका काम है, ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जब आप कोई भी प्रोजेक्ट ख़त्म करते हैं तो आप उसे लोगों तक लेकर जाएं, क्योंकि चेहरा आप हैं, भले ही आपने वो बनाया ना हो लेकिन चेहरा आप हैं, आप ही को लोग देखेंगे स्क्रीन पे, तो उन तक ले जाने का जो दायित्व है वो भी आप ही का है। राजीव सर, आप डिफरेंट डिफरेंट फिल्में भी कर रहे हैं, वेब शोज भी कर रहे हैं और टीवी भी कर रहे हैं, अभी रिसेंटली एक शो का पोस्टर देखा हमने दिव्यांका त्रिपाठी का, जी उसके बारे में थोड़ा कुछ बात करना चाहेंगे सर? जी हाँ, एक शो आने वाला है मेरा जिसके बारे में मैं बहुत विस्तार में बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो शो है कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला, जो प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया है और बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है, बहुत टाइम के बाद में मैं एक लव स्टोरी कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को शिकायत रहती थी, मुझे भी खुद से शिकायत हो गई थी कि क्या भैया एक बार लव स्टोरी की उसके बाद दोबारा कभी की नहीं आपने,
तो मैंने कोशिश की कि मैं एक लव स्टोरी वापस करूँ, और बहुत खूबसूरत सीरीज़ है, आपको देखने को जल्द मिलेगी। शुक्रिया।